सर रविंद्र जडेजा, नाम तो सुना ही होगा। गेंदबाजी में एक्यूरेसी, बल्लेबाजी में फ्लेक्सिबिलिटी और फील्ड पर एजिलिटी, जड्डू इज ए कंप्लीट पैकेज। जडेजा वॉज अ की परफॉर्मर इन इंडियाज फर्स्ट टू मैचेस ऑफ द एशिया कप 2022। पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में उन्होंने 2 इकोनॉमिकल ओवर्स डाले। बैटिंग में नंबर 4 पे उन्हें प्रमोट किया गया और वहां भी जडेजा ने क्रूशल 35 रन की पारी खेली। हांगकांग के विरुद्ध भी उन्होंने किफायती गेंदबाजी करी थी, 4 ओवर में सिर्फ 15 रन दिए और 1 विकेट भी लिया। बट टूर्नामेंट के बीच में ही जडेजा की इंजरी ने भारतीय टीम को बहुत बड़ा झटका दिया है। वे घुटने में लगी चोट के कारण एशिया कप 2022 से तो बाहर हो ही गए हैं। साथ ही साथ खबरें ये भी आ रही है कि जडेजा T20 वर्ल्ड कप में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ही इज एक्सपेक्टेड टू अंडरगो अ मेजर नी सर्जरी। 1.5 महीने पहले भी एक सिमिलर इंजरी के कारण वे वेस्ट इंडीज टूर से बाहर हो गए थे। वैसे तो जडेजा करंट इंडियन टीम में वन ऑफ द फिटेस्ट प्लेयर्स हैं, बट उनकी इंजरीज का सिलसिला 2020 से ही चल रहा है। कंकशन और हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया में T20 मैचेस मिस किए। MCG में सेकंड टेस्ट में उनकी वापसी तो हुई, बट सिडनी टेस्ट के दौरान मिचेल स्टार्क की एक शॉर्ट बॉल सीधा उनके ग्लव्स पर आ लगी। जडेजा का थंब फ्रैक्चर हो गया और उन्हें गैबा का हिस्टोरिक टेस्ट मैच मिस करना पड़ा। आगे जब इंग्लैंड की टीम भारत दौरे पर आई, तब तक भी जडेजा टीम में वापसी नहीं कर पाए। नवंबर 2021 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कानपुर टेस्ट में जडेजा का राइट फोरआर्म इंजर्ड हुआ। ड्यू टू दिस इंजरी ही हैड टू मिस द साउथ अफ्रीका टूर एंड द होम सीरीज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। IPL 2022 के आखिरी स्टेजेस में भी जडेजा को एक रिब इंजरी हो गई एंड ही वाज रूल्ड आउट ऑफ द सीजन। वे इसके बाद इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20I सीरीज में हिस्सा नहीं ले पाए। दिसंबर 5 2020 से अब तक देखें तो जडेजा ने 11 टेस्ट मैचेस, 14 T20Is और सिर्फ 3 ODIs खेले हैं। जडेजा जैसे बड़े खिलाड़ी का इतना फ्रीक्वेंटली इंजर्ड होना टीम मैनेजमेंट के लिए चिंता का विषय है। विथ हिज ऑलराउंड स्किल्स, जडेजा भी इंडियन टीम को हार्दिक पांड्या की तरह ही बैलेंस प्रोवाइड करते हैं। पिछले कुछ सालों में जिस तरह का इम्प्रूवमेंट हमें उनकी बैटिंग में देखने को मिला है, वो टीम को बैटिंग ऑर्डर में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। T20 इंटरनेशनल्स और IPL दोनों में ही जडेजा का प्रदर्शन लाजवाब रहा है। CSK के लिए IPL 2020 और 2021 में फिनिशर का रोल बखूबी निभाया था जडेजा ने। The Oval Test in 2018 can be considered a turning point in Jadeja's career. काफी समय टीम से बाहर रहने के बाद वो 11 का हिस्सा बने थे। अपने कमबैक में उन्होंने 7 विकेट्स लिए और नाबाद 86 रन की पारी खेली। इसके बाद जडेजा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बल्ले के साथ एक के बाद एक यादगार नॉक्स खेली। 2019 विश्व कप में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो सेमीफाइनल की पारी कौन भूल सकता है। IPL 2021 में भी हर्षल पटेल के एक ओवर में 37 रन बनाकर उन्होंने दिखा दिया कि बैट से भी उन्हें कम नहीं आंका जा सकता। ऐसे में अगर वे T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं रहते हैं तो रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की टीम इंडिया के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आपको क्या लगता है, भारतीय टीम में क्या कोई खिलाड़ी रविंद्र जडेजा की कमी पूरी कर सकता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्पोर्ट्स कीड़ा।